जरा सोचो, तुम्हारे मोहल्ले में कूड़ा उठाने वाला एक आम सा दिखने वाला आदमी असल में गैंगस्टर्स का भी बाप निकले। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है। और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है क्लीन नाम के एक आदमी से जो सड़कों से कूड़ा उठाने का काम करता था। वो एक ऐसे शहर में रहता था जहां कई गुंडे मवाली खुलेआम गुंडागर्दी करते। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्लीन अक्सर कूड़े के ढेर से कुछ टूटा फूटा सामान निकाल लिया करता, जिसकी थोड़ी मरम्मत करके वो अपने दोस्त की दुकान पर बेच देता। इसी तरह वो अपने गुजारे के लिए थोड़े पैसे कमा लेता था। क्लीन का अपनी पत्नी से तलाक हो गया था और उसके बाद वो एक वर्कशॉप में रहने लगा। उसकी एक बेटी भी थी जो काफी समय पहले एक बीमारी के कारण मर गई थी। वो अपनी बेटी को काफी याद करता था और उसकी यादें किसी हद तक क्लीन को हर पल परेशान करती रहती थी। इसी वजह से वो अपने पड़ोस में रहने वाली डायंडा नाम की लड़की का खास ध्यान रखने लगा। डायंडा एक अनाथ लड़की है जो अब अपनी दादी के साथ रहती थी। क्लीन को उसमें अपनी बेटी की झलक दिखाई देती थी और उसका ख्याल रख के वो अपनी बेटी की मौत का पश्चाताप कर लिया करता। दूसरी ओर हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जेल के दरवाजे के बाहर खड़ा अपने बेटे मिकी का इंतजार कर रहा था। असल में उसका बेटा जेल से रिहा होने वाला है, लेकिन तभी मिकी के दोस्त उसे लेने वहां पहुंचे और मिकी ने अपने पिता की बजाय अपने दोस्तों के साथ जाना ठीक समझा। मिकी के इस बर्ताव से माइकल को काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने फिर भी इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर शाम को जब क्लीन उस इलाके से कुछ कूड़ा उठा रहा था तो उसने माइकल और उसके आदमियों को माइकल के रेस्टोरेंट के बाहर कुछ गलत काम करते देखा। और तो और उस वक्त माइकल और उसके आदमियों के पास कई खतरनाक हथियार भी थे, लेकिन माइकल कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप अपना काम करता रहा। असल में वो एक रेस्टोरेंट चलाने के साथ साथ गैर कानूनी धंधा भी करता था। वो चाइना से आए ड्रग्स को अपने इलाके में खुलेआम बेचकर पैसे कमाया करता। ये ड्रग्स मछलियों में छिपाकर लाए जाते थे और फिर माइकल ड्रग्स निकालकर मछलियां बाजार में बेच दिया करता। उस रात माइकल थोड़े गुस्से में था क्योंकि चाइना से जो माल आया था वो उनकी शर्तों के मुताबिक नहीं था और इससे माइकल का घाटा पक्का होने वाला है। खैर, अगली सुबह क्लीन ने डायंडा को चलकर स्कूल जाते हुए देखा। डायंडा ने उसे बताया कि अब उनके मोहल्ले में स्कूल बस नहीं आती और उसकी दादी की गाड़ी तो खराब हो गई है, इसलिए उसे अब चलकर ही स्कूल जाना पड़ेगा। ये सुनकर क्लीन ने कहा कि वो उसे स्कूल छोड़ आएगा। वहां से लौटने के बाद क्लीन ने अपनी बेटी की साइकिल निकाली और डायंडा के घर के बाहर चुपके से रख दी। लेकिन डायंडा की दादी एथल ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और वो तुरंत घर से बाहर आ गई। उसने क्लीन से पूछा कि आखिर उसे उसकी पोती से इतना लगाव क्यों है। इस पर क्लीन ने सिर्फ इतना कहा कि इससे उसे अपनी गलती पर थोड़ा कम पछतावा होता है। ये सुनकर एथल ने कहा कि वो दिल का काफी अच्छा आदमी है। वहीं दूसरी ओर माइकल इलाके में ड्रग्स बेचने में जुटा हुआ था, लेकिन चाइना से एक बार फिर बेकार माल आने पर उसका पारा सिरे चढ़ गया। वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाया और उसने गुस्से में कुरियर वाले को बुरी तरह पीट पीट कर मार डाला। मिकी ने ये सब अपनी आंखों के सामने देखा और अपने पिता की दरिंदगी देख कर वो वहीं का वहीं जमा रह गया। माइकल काफी खूंखार गैंगस्टर था जिससे शहर के सारे गुंडे डरते थे। और तो और उसका शहर में काफी दबदबा था, जिसकी वजह से वो दिन दहाड़े भी किसी का खून करने से नहीं कतराया। उस रात जब क्लीन माइकल के रेस्टोरेंट का कूड़ा उठाने आया तो हर जगह बदबू और खून के निशान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने ढूंढने की कोशिश की कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है, लेकिन तभी पीछे से माइकल आ गया। उसने क्लीन को कुछ पैसे देकर खून के निशान साफ करने को कहा, लेकिन क्लीन ऐसे किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया और अपना काम करने लगा। फिर कुछ दिन बाद जब क्लीन काम पर जा रहा था तो उसकी गाड़ी सड़क के बीचों बीच खराब हो गई। कुछ ही पलों में उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके पीछे कई गुंडे थे। उन गुंडों ने उसे घेर लिया और एक सुनसान जगह पर ले गए। इसके बाद उन्होंने मिलकर उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर क्लीन ने तुरंत उस आदमी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन पीछे से एक गुंडे ने उसके सर पर जोरदार वार कर दिया और वो वहीं बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब क्लीन की आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में था। बाद में उसे डॉक्टर ने बताया कि बेटा किस्मत थी तेरी, बच गया तू, वरना जितनी गहरी चोट तेरे सर में लगी है ना, मौके पर ही हो जाती टाए टाए फिस। फिर डॉक्टर ने उसे कुछ दिन वहीं रहकर दवाई लेने की सलाह दी, लेकिन क्लीन उठकर सीधा अपने घर चला आया। रास्ते में उसे डायंडा दिखाई दी जो कुछ लफंगे लड़कों के साथ खड़ी थी। क्लीन को उसकी फिक्र थी, इसलिए उसने डायंडा को अपने साथ घर चलने को कहा, लेकिन डायंडा ने उल्टा जवाब देते हुए कहा, देखो अंकल, आप मेरे पप्पा नहीं हो, ठीक है, तो पप्पा बनने की कोशिश भी ना करो तो अच्छा रहेगा, ओके। इसके बाद उन लफंगों ने भी क्लीन के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। हालांकि पहले डायंडा उसके साथ चलने को राजी नहीं थी, लेकिन क्लीन के साथ उनका बर्ताव देखकर वो उसकी बात मानकर उसके साथ ही घर लौट आई। उधर दूसरी ओर माइकल की अपने बेटे से बहस हो रही थी, क्योंकि मिकी को अपने बाप का बिजनेस आगे बढ़ाने से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाने में दिलचस्पी थी। बिजनेस आगे बढ़ाने को तो ऐसे बोल रहा है जैसे हीरे बेचता है। खैर, माइकल इस बात से काफी गुस्सा था। फिर उनकी
बहस इतनी बढ़ गई कि मिकी ने चाकू लेकर अपने बाप को धमकाया और कहने लगा कि वो अब अपने दोस्तों के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनेगा। उस रात मिकी अपने घर से भाग निकला। उधर क्लीन को एक खाली घर के बाहर डायंडा की साइकिल दिखाई दी। ये वही जगह थी जहां वो लफंगे लड़के अक्सर अपना अड्डा बनाकर बैठे रहते थे। जब क्लीन अंदर गया तो उसने देखा कि वो लोग डायंडा को जबरदस्ती ड्रग्स और शराब देकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे और तो और उन्होंने इस सब की वीडियो भी बनाई और उसे फैलाने की धमकी देने लगे। तब क्लीन ने बिना कुछ सोचे लोहे का एक औजार उठाया और उन लफंगों को पीट पीट कर उनकी हड्डी पसली एक कर दी। उन सबको पीटने के बाद क्लीन ने देखा कि माइकल का बेटा मिकी काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन क्लीन ने तुरंत डायंडा को उठाया और किसी को खबर लगने से पहले वहां से निकल गया। आखिरकार मिकी कई दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद अपने घर वापस लौटा। जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था उसने माइकल को बताया कि मिकी का शरीर तो ठीक हो जाएगा लेकिन उसका चेहरा फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सकेगा क्योंकि उसके जख्म बहुत ज्यादा गहरे थे। इसे ठीक करने का बस अब एक ही तरीका था, प्लास्टिक सर्जरी। और तो और उसके वोकल कॉर्ड्स खराब हो जाने की वजह से अब मिकी कभी बोल भी नहीं पाएगा, इसलिए डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने की सलाह दी वरना मिकी की हालत और बिगड़ सकती है। लेकिन माइकल को तो मानो अपने बेटे की कोई परवाह नहीं थी। उसने मिकी को यूं ही तड़पने के लिए छोड़ दिया ताकि उसे अपने पिता की बात ना मानने की सजा मिल सके। फिर कुछ दिन बाद फ्रैंक नाम के एक पुलिस वाले ने आकर माइकल को उस दिन की वीडियो फुटेज दिखाई। उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि क्लीन ने ही सबको पीटा था। माइकल जानता था कि क्लीन डायंडा और उसकी दादी के काफी करीब है, इसलिए उसने फ्रैंक को उन दोनों को मार डालने के ऑर्डर्स दिए लेकिन क्लीन को जिंदा पकड़ कर उसके सामने लाने को कहा। इससे साफ जाहिर था कि उस इलाके की पुलिस भी माइकल के इशारों पर नाचती थी। वहीं क्लीन जानता था कि माइकल अपने बेटे के साथ हुए हादसे का बदला तो जरूर लेगा, इसलिए वो डायंडा और उसकी दादी को लेकर तुरंत शहर से दूर निकल गया। लेकिन रास्ते में एक जगह पुलिस ने उसे रुकने को कहा। फिर क्लीन ने खुद को पुलिस के हवाले करने का सोचा ताकि डायंडा और उसकी दादी की जान बच जाए, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि पुलिस भी माइकल से मिली हुई है, इसलिए उसने एकदम रेस दबाई और वहां से भाग निकला। पुलिस से भागने के बाद क्लीन एक रेस्टोरेंट में आकर रुका। जब डायंडा और उसकी दादी टॉयलेट गए तो क्लीन ने वहां खड़ी एक गाड़ी का ताला तोड़ा और उसमें भागकर पुलिस से बचने का प्लान बनाया। लेकिन उसी वक्त माइकल के आदमियों ने क्लीन की गाड़ी वहां देख ली और वो रेस्टोरेंट में घुसाए। डायंडा और एथल ने भी उन्हें देख लिया था, इसलिए वो दूसरे रास्ते से वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। उधर क्लीन भी माइकल के आदमियों को देखकर पीछे के रास्ते से अंदर आ गया। फिर अचानक उसने उन सभी गुंडों को मार गिराया और फिर डायंडा और उसकी दादी तक पहुंचा जो स्टोर में छिपी हुई थी। उन्होंने क्लीन को बड़ी सफाई से माइकल के आदमियों का सफाया करते देख लिया था, इसलिए आखिरकार क्लीन को उन्हें अपनी सच्चाई बतानी ही पड़ी। असल में वो पहले एक खूंखार सीरियल किलर हुआ करता था, लेकिन जब उसकी बेटी की मौत हो गई तो वो ये सब छोड़कर शहर से दूर आ गया। फिर उसने कूड़ा उठाने का काम शुरू कर दिया ताकि किसी को उसकी पिछली जिंदगी की खबर ना हो। खैर, डायना और एथल को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा कर वो अपने घर से कुछ पैसे लेने आया। फिर उसने अपने दोस्त की दुकान से कुछ हथियार खरीदे जिससे वो माइकल और उसके गुंडों का सामना कर सके। फिर फ्रैंक ने माइकल को बताया कि क्लीन कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार कातिल है जो कुछ साल पहले तक अंडरवर्ल्ड में मौत के फरिश्ते के नाम से जाना जाता था। तभी उसे क्लीन ने फोन करके कहा कि वो जल्द ही उसका हिसाब किताब चुकता करने आ रहा है। अब माइकल का अंत करीब था, इसलिए उसने तुरंत अपने मुस्टंडों को हथियारों के साथ इकट्ठा कर लिया। उधर क्लीन भी अपने हथियार तैयार करके अपने कूड़े वाले ट्रक में माइकल के घर के लिए निकल पड़ा। फिर उसने बिना किसी चेतावनी के सीधा जाकर माइकल के घर में ट्रक घुसा दिया। इससे बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा हो गया, लेकिन अंधेरे में भी क्लीन ने बड़ी सफाई से माइकल के सभी मुस्टंडों को एक एक करके ऊपर पहुंचा दिया। फिर जब वो माइकल को ढूंढ रहा था तो अचानक माइकल ने उसे अलमारी से वार करके चौंका दिया। उन दोनों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई, लेकिन क्लीन ने कुछ ही बलों में उसे चित कर दिया। जैसे ही वो माइकल को मारने वाला था तभी मिकी बाहर आ गया और उसने क्लीन पर बंदूक तान दी। उसे देखकर माइकल तो खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि मिकी क्लीन को मार डालेगा, लेकिन मिकी ने तो अपने बाप को ही गोली से उड़ा दिया। इसके बाद उसने क्लीन पर भी बंदूक चलाई, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो गई थी और इसी तरह क्लीन वहां से बचकर भाग निकला। आखिरकार हम डायंडा को देखते हैं जो सड़कों पर साइकिल चला रही थी। अब उनका मोहल्ला क्लीन की वजह से गैंगस्टर्स और लफंगों से मुक्त हो गया था। तभी डायंडा एक पल के लिए रुकी और मुस्कुराने लगी क्योंकि सामने से क्लीन अपने कूड़े के ट्रक में आ रहा था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।